एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों का स्पेशल ठंडा ठंडा हेल्दी वाटरमेलन जूस, जिसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। आपको पूरे दिन एनर्जी देगी, साथ साथ ये हेल्दी भी है। पेट को तो ठंडा रखेगी ही, साथ साथ आपको पूरे दिन तरोताज़ा रखेगी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक छोटा सा बाउल और उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून चिया सीड्स। ये चिया सीड्स तुलसी के बीज होते हैं, जो कि आप इसे फास्ट में भी ले सकते हैं। अगर आप डाइट पर हैं तो आप इस चिया सीड्स को ब्रेकफास्ट में ज़रूर लें। आपका पेट भी भरा भरा रहेगा, आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और ये आपको पेट को ठंडा भी रखेगी। तो है ना हेल्दी डाइट। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चिया सीड्स, साथ ही साथ 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पानी डाला है। इनको अच्छे से डीप कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इनको हम रेस्ट पर छोड़ देंगे करीब 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये फूल जाए। जब तक हमारा चिया सीड्स फूलता है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg वाटरमेलन लिया है, यानी कि तरबूज। अब इनको हम अच्छे से पीस में कट कर लेंगे। तो एक चाकू की हेल्प से इस तरह से हम पीसेस में इनको कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में, ताकि हम इनको मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर सके। सारे मैंने तरबूज को इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इनको एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इनको हम महीन पीसेंगे। बिना पानी के ही हमें इसे पीसना है, ताकि जो तरबूज के जूस है वो परफेक्ट हेल्दी बने। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बैच के जो तरबूज है उनको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, क्योंकि तरबूज ज़्यादा हो गए थे और मिक्सी के जार मेरा छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे 2 बैच में पीसा है। तो 1 बैच के मैंने तरबूज को पीस लिया है। अब इनको हम एक छलनी में छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के ऊपर एक छलनी रख दिया है और इनको हम स्पून की हेल्प से इस तरह से मिक्स करते हुए छान लेंगे। तो सारे हमने जूस को छान लिया है। दूसरे बैच के जो तरबूज है उनको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए तरबूज को अच्छे से मिक्सी के जार में डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी डाला है। तो मैं यहाँ पर 4 गिलास तरबूज के जूस को रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी डाला है। और ये तरबूज बहुत ही मीठे थे, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी को डाल दिया है। उसके बाद इनको कवर करके फिर से पीस लेंगे। तो दूसरे बैच के भी हमने जूस को अच्छे से रेडी कर लिया है, इनको भी हम छान लेते हैं। तो इस तरह से मैंने जूस को छलनी में डाल दिया है और देख सकते हैं कि जो बीज थे वो अलग हो गए हैं और जूस हमारे जो है वो बाउल में आ गए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि चिया सीड्स मिला देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि चिया सीड्स अच्छे से फूल गई हैं, देख सकते हैं कितनी बढ़िया से फूल गई हैं। इनको भी हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिया सीड्स को मैंने मिक्स कर लिया है जूस में। उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 गिलास ले लिए हैं। अब ग्लासों में हम ऐड करेंगे आइस क्यूब, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न आ गया है तो ठंडा ठंडा शरबत या जूस बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 आइस क्यूब हर एक गिलास में डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें जूस डाला है। तो 4 गिलास में मैंने जूस को भर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कट करके वाटरमेलन यानी कि तरबूज को अच्छे से गार्निशिंग कर दिया है 4 गिलास में। इसके ऊपर मैंने इस तरह से डाल दिया है ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। आपको अगर और भी फ्लेवर पसंद हैं तो आप इसमें वनीला एसेंस या फिर नींबू या फिर आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो पसंद है आप इसमें फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। मुझे सिर्फ तरबूज के ही फ्लेवर अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी इसमें कुछ नहीं मिक्स किया। ये लीजिए, ठंडा ठंडा हमारा तरबूज का जूस बन करके तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। तो आप भी इस तरह से बनाइए और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है, उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।